हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आज लेट नाइट मैं थोड़ा सा वर्क कर रहा था ऑफिस का, तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और भूख भी लग गई है, तो सोचा कुछ देखते हैं किचन में क्या मिलता है खाने के लिए। वैसे खाने में कुछ बचा नहीं है, मैंने पहले ही खा लिया था, फिर अभी कुछ बनाते हैं थोड़ा सा फास्ट फूड। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है। इतनी रात में क्या बनाया समझ में नहीं आ रहा है, बट एक ही चीज़, एक ही ऑप्शन है, पास्ता बनाना, तो वही बनाएंगे। तो ऐसे रात में किसको किसको भूख लग जाती है वैसे पता है, रात में मुझे जब भी मैं लेट नाइट वर्क करता हूँ तो ऐसे ही मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगती है, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही बना लेता हूँ। तो आज भी कुछ ना कुछ बनाऊँगा। वैसे मुझे घर का सारा काम करने आता है, तो मुझे किसी की रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप बना दो आप बना दो, तो मैं खुद से ही बना लेता हूँ। ठीक है, तो वैसे रात में आप लोगों को भी भूख लगती होगी, तो आप लोग क्या खाते हो बताइएगा कमेंट में। तो मैं देखता हूँ फ्रिज में क्या रखा हुआ है, वेजिटेबल्स में, फिर निकालते हैं, शॉपिंग करते हैं, देन बनाते हैं। मैं पास्ता रख दूँ बॉयल करने के लिए। तो मैंने सब कुछ, सारे वेजिटेबल्स ले लिया है एंड पास्ता को भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। ठीक है, वेजिटेबल को धुल लिया है, अब मैं उसे कट करूँगा, फिर उसके बाद बनाते हैं। ठीक है, तो वेजिटेबल कट करते हैं। मेरी ये नाइफ़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे कट करना, क्योंकि ये बहुत शार्प है और इजीली हैंडलिंग इसकी हो जाती है, तो मैं इसको अच्छे से मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं जब भी मुझे करना रहता है कट। बहुत फास्ट कट करता हूँ मैं, मुझे वेजिटेबल कट करना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मुझे हैबिट में है। ये मेरा कट गया एक बराबर कटा है। अब मैं शिमला मिर्च को भी काट लेता हूँ। शिमला मिर्च ज़्यादा बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा छोटे अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस वजह से मैं इसको बड़े बड़े ही काट लूँगा। मुझे कैबेज को लंबा लंबा ही काट के अच्छा लगता है, क्योंकि मज़ा आता है ऐसे खाने में। काफ़ी ज़्यादा हो गया, चलिए मैं रख देता हूँ बाकी। जी देखिए, मैं इस तरह से कट करता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारे वेजिटेबल कट गए हैं,
और बस पास्ता का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही बॉयल हो जाता है फिर बनाते हैं, क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोरों की लगी है। आई थिंक पास्ता तो हो गया मेरा, एक बार ही देख लेता हूँ। लीजिए, तो मेरा पास्ता भी बॉयल हो गया। पता है मैंने इसमें जल्दी जल्दी में सोयाबीन भी डाल दिया, जैसे गर्म पानी था, ये भी फूल गया है। मैं वेजिटेबल को ज़्यादा पकाता नहीं हूँ, तो पकने के बाद टेस्ट सही नहीं मिलता है, इस वजह से मैं हल्का सा पकाता हूँ, जिससे बस फ्राई हो जाए। अभी तो जैसे बन जाए। हाय, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कुछ अच्छी बातें। पता है नॉर्मल सॉल्ट से अच्छा है आप रॉक सॉल्ट खाओ, इससे आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। सॉल्ट को आम भाषा में सेंधा नमक बोलते हैं। सेंधा नमक के बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हैं, और उस नमक में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग नॉर्मल खाने से मुझे हम लोगों को आयोडीन मिल ही जाता है, और फ़ायदेमंद भी है रॉक सॉल्ट। तो मैं रॉक सॉल्ट खाता हूँ, आप कौन सा खाते हैं कमेंट में बताइएगा। तो बस पास्ता बन गया है, मैं थोड़ा सा बस कोरिएंडर डाल दूँ ऊपर से। तो पास्ता बन के रेडी है, चलिए खाते हैं। काफ़ी लेट भी हो गया, बट खाने से पहले मुझे ये सब साफ़ करना पड़ेगा और ये सब रखना पड़ेगा, तो मैं ये सब करके फिर सर्व करूँगा, फिर खाऊँगा। पास्ता बन के तैयार है, मैं पास्ता खाऊंगा फिर सोऊंगा। वैसे सुबह मुझे बहुत सारा काम है, किचन की हालत देखिए बहुत ही ख़राब है, किचन की हालत, सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे किचन में। तो चलते हैं खाते हैं,
टेस्ट करके देखता हूँ अभी। ठीक है, बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है कि मैं जो पास्ता यूज़ करता हूँ वो सूजी का होता है, रवे का, तो नुकसान भी नहीं करता है। तो आप जब चाहो बनाओ खाओ, मैं भी जब भी मेरा मन करता है मैं बना के खाता हूँ। मन तो कर रहा है बैठ के खा लूँ। और वेजिटेबल को मैं ज़्यादा पकाता नहीं हूँ। देखिए जो वेजिटेबल है मेरा ज़्यादा पका नहीं होगा, कच्चा ही होगा, तो न्यूट्रिशन तो बराबर मिलता है। वाओ, टेस्टी तो है, बट यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है तो मैं चलता हूँ रूम में, वहाँ पे बैठ के आराम से खाएंगे। तो चलिए रूम में चलते हैं। यहाँ पे लाइट भी बंद करना पड़ेगा, पानी भी लेना है। जब से कोरोना हुआ था मैं लगभग 1 महीने तक बॉयल वाटर पीता था। अभी 2-4 दिन से मैं फ्रिज का पानी थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा इस गर्मी में। तो चलिए चलते हैं रूम में, लाइट बंद कर दूँ। तो रूम में आने के बाद काफ़ी राहत मिली गर्मी से, पास्ता खाते हैं क्योंकि कहीं जाना नहीं रहता है। तो दिन में सोना, ऑफिस का काम करना, जब दिन में सो लेंगे तो रात में सो नींद आएगी नहीं, तो नींद जब रात में नींद नहीं आएगी तो सोना नहीं हो, तो जगते रहो। मज़ा आ गया। अच्छा, भूख लगने के बाद कुछ भी खाने को मिला बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी तीखा था, स्पाइसी था, मज़ा आ गया खा के। जब पेट भरा रहता है तो नींद भी अच्छी आती है ना। अभी तो मैं सोऊंगा, काफ़ी लेट हो गया, सुबह जल्दी जगना भी है। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट।